हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त चुका है न्यूज फटाफट का। हमारी पहली न्यूज जुड़ी हुई है जियो से। जियो का एक पैक है जिसका दाम है ₹222, जिसमें आपको डिज्नी हॉटस्टार फ्री में मिलता है साल भर के लिए। आज उन लोग ने इस वाले प्लान में ₹35 की बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बता दें, ये जो प्लान है इसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो उतनी ही रहेगी जो आपका बेस प्लान है। अगर आप लोग कोई बेस प्लान यूज कर रहे हैं, जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, इसकी भी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इस प्लान में आपको 15 GB का डेटा भी मिलता है पर मंथ। और अगर आप इस प्लान को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप माई जियो ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। अपग्रेड ऑप्शन एक होता है, उसमें इसकी लिस्टिंग होके रखी हुई है। हमारी अगली न्यूज भी जियो से जुड़ी हुई है। पीटीआई की खबर के हवाले से पता लग रहा है कि जियो काम कर रहा है एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए। और जो उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जिन्हें पीटीआई से बात की और अपना नाम नहीं बताया, उनके मुताबिक ये फोन लगभग 2500 से 3500 के बीच में हो सकता है। तो अब देखते हैं कब होता है यह फोन लॉन्च और क्या करते हैं जियो उसके साथ, क्योंकि फिलहाल के लिए भारत में 5G सर्विस नहीं है। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है अभी से काम चालू होगा और जब भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली होंगी उसके आगे पीछे ये फोन लॉन्च कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है सैमसंग के साथ। सैमसंग ने आज भारतीय मार्केट में एक ई कैटलॉग लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ई कैटलॉग क्या है, इसमें सैमसंग के जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, जो सब प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते हैं उन सब की डिटेल इस कैटलॉग में रहेगी। और आइडिया ये है ये लॉन्च करने का कि अगर कोई भी कंज्यूमर मार्केट में शॉप करने के लिए जा रहा है तो उसको फिजिकल पैम्पलेट देने की जरूरत नहीं है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ई कैटलॉग दे दिया जाएगा ताकि सैमसंग ग्रीन इनिशिएटिव में अपना योगदान कर सके और कोई भी पैम्पलेट या कोई भी फिजिकल पेपर छपाने की जरूरत ना पड़े। आज ओप्पो ने भारत में F17 Pro का एक दिवाली एडिशन लॉन्च कर दिया है और इसका जो दाम है वो रखा गया है ₹23,990। और फ्रेंड्स, यहां पर ये बता दें कि इसकी प्री ऑर्डरिंग आज से चालू हो चुकी है और ये जो फोन है ये आपको अक्टूबर 23 से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको ये फोन मिलेगा, उसमें खाली फोन ही नहीं होगा, उसके अलावा एक गिफ्ट बॉक्स होगा। इसमें एक 10,000 mAh का पावर बैंक भी देंगे ओप्पो वाले और साथ ही साथ एक ग्लिटर पेपर भी दे रहे हैं जिसे आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आज शाओमी ने एक 80 W का वायरलेस चार्जिंग सोल्यूशन अनवील कर दिया है और यहां पर शाओमी का दावा है कि अगर आप कोई फोन चार्ज कर रहे हैं इसको वायरलेसली जिसकी 4000 mAh की बैटरी है तो 0 से 100 आप 19 मिनट यानी कि 19 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। अभी तक शाओमी ने इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी प्राइसिंग क्या होगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आज पेटीएम ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। वो कहते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो इस टाइम पे जो मार्केट में क्रेडिट कार्ड इतने सारे होते हैं और जिनमें प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो उन किसी को मिलता नहीं है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस कार्ड को इस्तेमाल करने में हम इस चीज को डेमोक्रेटाइज करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। फिलहाल तो पेटीएम ने ज्यादा जानकारी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं दी है, पर लेकिन जो जो चीजें शेयर की हैं वो ये की हैं कि इसमें आपको कैशबैक मिलेगा गिफ्ट वाउचर्स के तौर पर और साथ ही साथ पेटीएम का जो ऐप है उसके साथ इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि आप पेटीएम के ऐप में जाके इसको मैनेज कर सकते हैं। आप उसका पिन चेंज करना है, आपको उसकी लिमिट सेट करनी है, आपको जो कुछ करना है इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम ऐप में कर सकते हैं। वैसे तो ये सब फीचर्स बाकी क्रेडिट कार्ड में भी होते हैं कि आप उनके वेबसाइट में लॉगिन कर लीजिए और फिर वहां पर मैनेज कर लीजिए। अब देखते हैं जिस दिन लॉन्च होता है क्या है अनोखा, क्योंकि जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटाइज करने वाले हैं और लोगों को आसानी होगी इसको यूज करने में, वो सच में कैसे मुमकिन होता है। संडे को जहां शाओमी विवादों में घिरा हुआ था कि वो अरुणाचल और लद्दाख का टेम्परेचर शो नहीं कर रहा था, वेदर शो नहीं कर रहा था अपने एप्स में, जो बाद में रेक्टिफाई कर दिया गया है, वहीं ट्विटर भी विवादों में फंस गया है। ट्विटर के साथ विवाद ये घुसा हुआ है कि एक आदमी जो लद्दाख में था वार मेमोरियल पे, वो वहां पर उस लोकेशन को टैग कर रहा था और वहां पर लद्दाख चाइना का पार्ट दिखाया जा रहा था। तो अभी तक ट्विटर से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आई है, उन्हें इस बात का जवाब भी नहीं दिया है कि क्या इशू था हमारा और कब तक ये रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग बाकी जगहों पर भी वार मेमोरियल जो लेह में है उसको टैग करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो यहां पर ये चाइना टैग कर रहा है, लद्दाख को वो चाइना का पार्ट दिखा रहा है।
सैमसंग ने गैलेक्सी फिट 2 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसका दाम रखा है ₹3,999। अब देखते हैं कि ये जो वेरिएबल्स में भी एक के बाद एक सैमसंग लॉन्च कर रहा है कोई ना कोई प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाता है कि नहीं? आपको क्या लगता है, फिट 2 जो बैंड उनका लॉन्च किया है, सच में ये बाकी जितने भी मार्केट में इस टाइम ऑप्शन है उनको कड़ी टक्कर दे सकता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। HTC ने एक नया स्मार्टफोन अपनी होम कंट्री यानी कि ताइवान में कर दिया है लॉन्च और इस फोन का नाम है HTC Desire 20। और खास बात करें इस वाले फोन में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, इसमें 6GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है और इसका कन्वर्टेड प्राइस की बात कर ले तो वो बनकर आता है लगभग ₹22,000 यानी कि 22,000 के आसपास का प्राइस बन के आ रहा है। लेकिन इंडिया के हिसाब से कोई फायदा नहीं है, ना इसकी अवेलेबिलिटी होने वाली है या होने वाली है, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। काफी टाइम से अब HTC भारतीय मार्केट से गायब है, पहले तो भारतीय मार्केट को छोड़ दिया था लेकिन फिर बीच में लास्ट ईयर फिर से उन्होंने कुछ कुछ फोन लॉन्च किए थे अपने एक पार्टनर के थ्रू। अब मालूम नहीं है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप में से किसी ने अगर HTC के फोन यूज किए होंगे तो एक चीज तो उनमें काफी अच्छी स्ट्राइकिंग फीचर लगता था, वो था उनका डिजाइन। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया आपसे अलविदा लेने का क्योंकि न्यूज फटाफट हो गई खत्म। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।